दोस्तों अच्छी नींद के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जीवन शैली में साधारण से बदलाव से आपकी नींद की गुणवत्ता पर फर्क पड़ सकता है, तो चलिए ऐसे कुछ उपाय जानते हैं जिससे आपको अच्छी नींद आ सकती है। पहला, सोने और जागने का समय निर्धारित करें। दोस्तों लगभग हर रोज एक ही समय पर सोने और जागने का एक नियमित समय तय कर लें। इससे आपके शरीर को अच्छी और बेहतर नींद मिलेगी। सोने के लिए ऐसा समय चुनें जब आपको थकान महसूस हो रही हो और आपको आसानी से नींद आ जाए। दूसरा, माहौल ऐसा बनाएं जिसमें आपको आसानी से नींद आ जाए। दोस्तों आपके आराम करने वाले कमरे का आपके लिए शांतिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। आपके कमरे का तापमान, रोशनी और शोर सभी पूरी तरह से नियंत्रित होनी चाहिए, जिससे आपके सोने के कमरे का वातावरण आपके लिए अच्छी नींद में सहायक बने। तीसरा, आरामदायक बिस्तर पर सोएं। दोस्तों ऐसे किसी गद्दे पर आराम से सोना मुश्किल है जो बहुत ही नरम या फिर कठोर होता है, या फिर एक बिस्तर जो बहुत ही छोटा या पुराना होता है। एक आरामदायक गद्दे को सिलेक्ट करें जिसपे आपको सोने में आसानी होती है। चौथा, नियमित एक्सरसाइज करें। दोस्तों नियमित रूप से मध्यम शक्ति वाले व्यायाम जैसे तैराकी, पैदल चलना दिन भर के तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आप सोते समय जोरदार एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जैसे कि दौड़ना, जिम, क्योंकि यह आपको जागृत रख सकता है। पांचवा, कैफीन वाली चीजों का कम से कम सेवन करें। दोस्तों चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक और कोला जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। खासकर शाम के समय इन चीजों को नहीं लेना चाहिए। कैफीन आपकी नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है और आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए अच्छा रहेगा आप सोने से पहले गर्म दूध या फिर हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं। छठा, जरूरत से ज्यादा खाना ना खाएं। दोस्तों जरूरत से ज्यादा खाना और शराब, इन दोनों का सेवन रात को करने से भी आपकी नींद के नियम में बाधा उत्पन्न होती है। शराब का सेवन अधिक करने से आपको पहले से ही नींद आने लगती है और जब रात में सोने का समय होता है तब आपको नींद आने में परेशानी होती है। सातवां, सोने से पहले थोड़ा रिलैक्स करें। दोस्तों गर्म पानी से नहा लें, शांत संगीत सुने और मन और शरीर को आराम देने वाले एक्सरसाइज करें। आपके डॉक्टर आपको ऐसे ही गाना सुनने की सलाह देते हैं जिन्हें सुनकर आपकी थकान दूर हो और आपको आराम महसूस हो सके। आठवां, यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो उठ जाएं। दोस्तों अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो लेटे हुए इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उठ जाइए और कुछ ऐसी चीजें कीजिए जिससे आपको आराम मिले और दोबारा नींद आ जाए, उसके बाद दोबारा सोने जाए। दोस्तों यदि आपकी नींद की कमी आपके रोज के जीवन पर असर डाल रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।